दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो हरियाणा का राजनीतिक इतिहास रहा है, हरियाणा में क्षेत्रीय दलों की सरकारें अक्सर बनती रही है। दोस्तों, हरियाणा इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो की सरकार कई बार बनी, जो क्षेत्रीय दल है। उसी प्रकार हरियाणा विकास पार्टी, चौधरी बंसीलाल जो कांग्रेस छोड़कर चले गए थे और उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी, तो 1996 में चौधरी बंसीलाल ने भाजपा के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई थी। इनेलो की तो सरकार 1987 में ही बन गई थी। इससे पीछे के ज्यादा बड़े इतिहास में नहीं जाते कि कब जनता पार्टी का राज रहा, कब जनता दल का कौन रहा, तो फिर लंबी कहानी हो जाएगी। तो दोस्तों, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो हम देख रहे हैं, हरियाणा में क्षेत्रीय दलों का अवसान होता दिख रहा है। हरियाणा विकास पार्टी समाप्त हो गई, उसने अपना विलय कांग्रेस में कर लिया था, और उसके बाद जो चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी थी, उसका विलय भी कांग्रेस में हो चुका है। अब वो कहीं अस्तित्व में नहीं है, ना हरियाणा विकास पार्टी, ना ही स्वर्गीय भजन लाल, वो भी हरियाणा के कई बार सीएम रहे 80 के दशक में और 90 में, 90 के दशक में, लेकिन उनकी पार्टी भी कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं दिखा सकी। हालांकि कुलदीप बिश्नोई जो उनके बेटे हैं बीच के, उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी को चलाने की कोशिश की, लेकिन उनके 6 विधायक जीते थे, जिनमें से 5 विधायक उनको उस समय छोड़कर चले गए थे जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ने जब दूसरी बार, यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो शायद 2009 में जब चुनाव लड़ा था, तो उनको भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए हविपा के 5 विधायक तोड़ लिए, और कानून भी कुछ नहीं कर सका, चुनाव उनाव या बहुत सारे अदालतों में केस उस चले, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और वो एक तरीके से पार्टी खत्म हो गई। चाहते हुए भी कुलदीप बिश्नोई अपनी पार्टी को बचा नहीं सके, और उन्होंने उसका भी विलय जो है कांग्रेस में कर दिया अंततः। और ये बात दीगर है कि अलग है कि अब उनकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, हरियाणा विकास पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, और चौधरी कुलदीप बिश्नोई खुद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज का जो मुद्दा है हमारा, वो ये है कि आखिर हरियाणा में ऐसे धाकड़ क्षेत्रीय दल की जो वर्षों सत्ता में रहे, उन्होंने हरियाणा में राज किया, लेकिन पिछले 5-10 सालों में इन क्षेत्रीय दलों का पतन कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या कारण है? वैसे मैं दोस्तों, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके पीछे, जैसा कि मैंने बताया कि हरियाणा जनहित कांग्रेस के 5-6 में से 5 विधायक कांग्रेस में चले गए थे, उसी तरीके से यही रहा है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं अक्सर क्षेत्रीय दलों को हड़पती रही हैं, तोड़फोड़ करती रही हैं, उनके जो विधायक जीत जाते हैं उनको ये राष्ट्रीय पार्टियां अपने में मिलाकर उनको
समाप्त करने का काम करती रही है। बल्कि भाजपा ने तो पिछले वर्षों में ये भाजपा नेताओं ने, बड़े नेताओं ने ये कहा था कि देश में केंद्रीय राजनीति को बढ़ाने में ये क्षेत्रीय दल अड़ंगा हैं, इनको समाप्त कर देना चाहिए या इनको हो जाना चाहिए, जिससे कि केंद्र की राजनीति मजबूत रहे और केंद्र जो देश के विकास के लिए या देश की जनता के लिए काम करना चाहता है, ये क्षेत्रीय दल उनमें अड़ंगा ना डाले। तो ये स्पष्ट हो गया, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये क्षेत्रीय दलों को हड़पते रहे और उनकी नीति उनको समाप्त करने की रही है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा इतिहास क्षेत्रीय दलों के बारे में। भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना 15 मई 2023 के अनुसार 26 राज्यों व केंद्र शासित राज्यों में इन क्षेत्रीय दलों की संख्या कुल 58 है, यानी ये कह सकते हैं कि 58 दल चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त हैं। और किस प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रीय दल हैं, तो उनकी यदि हम बात करें, इनमें बिहार, केरल और मेघालय, ये वो राज्य हैं जिनमें 5-5 क्षेत्रीय दल हैं। और दल ही नहीं है, बल्कि वर्षों से इन क्षेत्रीय दलों की सरकार इन राज्यों में रही है। लेकिन फिर हम हरियाणा पर लौटते हैं, तो दोस्तों हरियाणा में वर्तमान में मुख्य रूप से जो क्षेत्रीय दल हैं, उनमें आप कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो और जेजेपी, और किसी हद तक तीसरे नंबर पर आप बसपा को गिन सकते हैं। हालांकि बसपा का हरियाणा में जो तीसरे नंबर की पार्टी होती थी, और हरेक कोई बसपा से चुनावी समझौता करके हरियाणा में चुनाव जीतना चाहता था, बड़ा छोटा दल जो भी है, लेकिन जो भी कारण है आपके सामने हैं, चाहे वो बसपा की नीतियां हैं, चाहे मायावती जी का गिरता ग्राफ है, हरियाणा में भी बसपा दमसा तोड़ चुकी है। लेकिन बसपा कभी सत्ता में तो नहीं रही हरियाणा में, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हरियाणा विकास पार्टी सत्ता में रही, इनेलो सत्ता में रही, जेजेपी पिछले लगभग 4.5 साल भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाई। लेकिन दोस्तों अभी जो वर्तमान में लोकसभा के चुनाव हुए, उनमें आपने देखा कि किस तरीके से जेजेपी, इनेलो और बीएसपी हरियाणा में कोई भी करिश्मा करने में नाकामयाब रही। हरियाणा की दसों लोकसभा सीटों में से एक भी इनको सीट नहीं मिली, और ज्यादातर जो ये क्षेत्रीय दल थे, इन्होंने जितने भी उम्मीदवार खड़े किए थे लोकसभा चुनाव में, सबकी लगभग जमानतें जब्त। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये क्षेत्रीय दल गलत है, क्या इनको नहीं होना चाहिए? नहीं दोस्तों, क्षेत्रीय दलों का राजनीति में होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षेत्रीय दल ही वहां की कला, संस्कृति और जो बहुत बड़ी जरूरतें हैं उस राज्य की, जितना गहराई से क्षेत्रीय दल समझते हैं, या जितना विकास क्षेत्रीय दल कर सकते हैं, या जितना फायदा या समस्याओं का समाधान क्षेत्रीय दल कर सकते हैं, उतना राष्ट्रीय दल नहीं कर सकते, क्योंकि क्षेत्रीय दल वो जमीनी दल होते हैं, वहां की हर एक समस्या से वो वाकिफ होते हैं। लेकिन दोस्तों चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, खैर कांग्रेस तो पिछले काफी समय से खुद अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है, हालांकि उसके कई राज्यों में सरकार है, लेकिन फिलहाल जो ये काम कर रही है क्षेत्रीय दलों को नष्ट करने का, उसकी संस्कृति, क्षेत्रीय दलों की जो आवश्यकता है उनको खत्म करने का,
काम बस भारतीय जनता पार्टी, और मैं यदि उदाहरण दूं तो आप देख सकते हैं कि बिहार में और महाराष्ट्र में या कहीं भी देख लें आप, कोई भी उत्तराखंड में भी रहा है, सभी जगह भाजपा क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का काम करती रही है और उसी नीति पर चल रही है। वो पहले उनके साथ समझौता करती है, फिर जो है हंटी संटी करके उन पार्टियों को खत्म करने के ओर बढ़ जाती है। और मैं ही ये नहीं कह रहा, हरियाणा के प्रमुख कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो हरियाणा में राजनीति का एक बड़ा नाम, जो कितनी बार विधायक बने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रहते हुए मंत्री पद संभाले, और किसी वजह से 2014 में वो कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा में भी शामिल हो गए थे, वहां केंद्रीय मंत्री भी रहे, हालांकि अब वो अपनी मूल पार्टी कांग्रेस में लौट आए हैं, उनके बेटा हिसार से सांसद थे वो भी कांग्रेस में लौट आए हैं, तो अब वो खुलकर क्षेत्रीय दलों की पैरवी कर रहे। वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों का देश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है और वो भारतीय राजनीति की खूबसूरत बिंदी है, करिश्मा है, जिस तरीके से वो ये क्षेत्रीय दल स्थानीय समस्याओं को समझकर प्रदेश की जनता का भला करते हैं, उनका विकास करते हैं, राष्ट्रीय पार्टियां उतना नहीं करती। वो आगे कहते हैं, उन्होंने एक बयान में कहा है, हम कोशिश करेंगे कि उनका वो वीडियो भी आपको दिखाएं, वो कहते हैं कि भाजपा का इन क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की नीति अक्षम्य है, और जो जिस रास्ते पर वो क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की नीति पर चल रही है उसे उसका आने वाले समय में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो वो दावा करते हैं कि भाजपा में पिछले 5-10 साल में क्षेत्रीय दलों को भाजपा ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, और उस नुकसान की जो वानगी है वो आप देख लीजिए कि हरियाणा के प्रमुख राजनीति क्षेत्रीय राजनीतिक दल इनेलो की वर्तमान में क्या स्थिति। वो जेजेपी जो पिछले 4.5 साल जिसने भाजपा को सत्ता में लाने के काम किया, अपने 10 विधायकों का समर्थन देकर भाजपा का मुख्यमंत्री बनाया, आज उसको भी भाजपा ने खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब बात यह है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की उनकी एग्जिस्टेंस कोई खतरा है। आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल में हरियाणा में जितने क्षेत्रीय दल थे वो आज शून्य है, मतलब उनके साथ लोगों का वोट नहीं है, और चाहे वो जेजेपी है, चाहे इनेलो है, और चाहे बीएसपी में भी ऐसी परिस्थिति है। बाकी भारतीय जनता पार्टी को मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने हरियाणा की संस्कृति और हमारे लोगों के भाईचारे को आहत करने की, तोड़ने की कोशिश की है, उसका परिणाम आज ये है, मैंने खुद देखा है। और हरियाणा में जो तीसरा दल है वो बसपा है। बसपा पिछले 20-30 सालों में, यानी 2014 से एक बड़ी शक्ति हरियाणा में होती थी, समय समय पर हरियाणा में इसके 1-2 विधायक जीतते रहे हैं, सांसद भी बसपा के जीते हैं, लेकिन पिछले लगभग 10-15 साल में बसपा का भी अवसान हुआ है।
उसका भी प्रतिशत वोट प्रतिशत बहुत गिरा है। और अब जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बसपा के का कोई भी उम्मीदवार जमानत नहीं बचा सका। अब यदि आप ये कहें कि जो बसपा तीसरा दल तो है हरियाणा में क्षेत्रीय, वैसे तो राष्ट्रीय पार्टी है लेकिन हरियाणा में तो उसकी क्षेत्रीय दल की स्थिति है, लेकिन वो हरियाणा में दम तोड़ चुकी है। अब बसपा की तो हम बात क्या करें, जो सत्ता में रहे हैं इनेलो और जजपा वही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बसपा की तो बात ही अलग है। अब तात्पर्य ये है कि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि यदि क्षेत्रीय दल खत्म हुए या हरियाणा में क्षेत्रीय दल खत्म हुए तो यहाँ की कला संस्कृति और क्षेत्रीय जो विकास होता है, जो ये क्षेत्रीय दल जनता की असली समस्याओं को समझते हैं उन पर असर पड़ना तय है। और वो ये भी कह रहे हैं और उनके अलावा और भी कई नेताओं को मानना है कि क्षेत्रीय दलों का अंतिम रूप से पता 3 महीने बाद जो हरियाणा विधानसभा में चुनाव होने जा रहे हैं उसी में पता चल जाएगा कि क्षेत्रीय दलों की हरियाणा में क्या स्थिति रहने वाली है। यदि इनेलो और जजपा अपने दम पर अपने विधायक जिताकर इस बार नहीं ला सके जैसा कि दिख रहा है कि हरियाणा की राजनीति 2 खेमों में बट गई है, भाजपा और कांग्रेस, तीसरा खेमा लगभग बचा नहीं है, तो उस लिहाज से राजनीतिक पंडितों का तो ये मानना है कि जेजेपी और इनेलो के दिन शायद ही फिरे आने वाले विधानसभा चुनावों में और उनकी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। और जो भी सत्ता का बंटवारा होगा वो भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा, इन्हीं दो राष्ट्रीय दलों के बीच में हरियाणा में विधानसभा में जमकर आमना सामना होगा, एक दूसरे के साथ महायुद्ध होगा, महाभारत होगा, जिसमें जजपा और इनेलो के लिए शायद बहुत ही स्पेस नहीं बचा है। दोस्तों ये मेरा कहना नहीं है, ये लोगों से बातचीत के आधार पर, हरियाणा के बड़े नेताओं के आधार पर, जागरूक नागरिकों के आधार पर, और सबसे बड़ा उदाहरण तो मैंने दे दिया कि केंद्रीय मंत्री और राज्य में विधायक और मंत्री रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह ने खुद ये माना है कि इनेलो और जजपा की राजनीतिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है। उन्होंने ये तो कहा कि बहुत कमजोर हो चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनावों में शायद ही ये उबर पाए, लेकिन साथ ही वो इन क्षेत्रीय दलों की पैरवी भी कर रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों का होना लोकतंत्र के हित में है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मुद्दा कि हरियाणा में क्षेत्रीय दलों की क्या स्थिति है, इनेलो जेजेपी का क्या होने वाला है हरियाणा विधानसभा चुनाव में, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, धन्यवाद।